तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब अखिलेश यादव खुद जाएंगे संभल। प्रतिनिधि मंडल को रोके जाने से नाराज अखिलेश यादव, उन्होंने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा कि मैं स्वयं भी संभल जाऊंगा। संभल नहीं जा पाया था प्रतिनिधि मंडल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले दिनों हुए शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब अखिलेश यादव ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बाधा डाल रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सपा के प्रयासों को कुंद करने की कोशिश कर रही है। प्रतिनिधि मंडल को उद्देश्य केवल पीड़ित और परेशान लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनना और समाधान की दिशा में काम करना था। उन्होंने कहा कि सरकार ने न केवल प्रतिनिधि मंडल को रोका बल्कि इलाके में इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी, जिससे स्थिति की वास्तविक जानकारी नहीं मिल पा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब हमारा प्रतिनिधि मंडल तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन मैं स्वयं भी संभल जाऊंगा। तो समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है कि वह पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करे। उन्होंने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ अन्याय कर रहा है और पुलिस द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही है। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। देखिए, ये सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है और चुनाव में जो वोट की लूट हुई थी, जिस तरीके से चुनाव को प्रशासन की ताकत से और वोट को डलवा करके अधिकारियों के माध्यम से जो चुनाव जीता, उस नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने दंगा कराया है। अगर सर्वे की बात थी, जब पहली बार सर्वे हुआ तो किसी को आपत्ति नहीं थी, सबने मिलजुल करके सर्वे कराया। दूसरी बार जो सर्वे हुआ उसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरा दोष, और अगर कोई जिम्मेदार है तो वहां का प्रशासन जिम्मेदार है। और अगर ये होर्डिंग, जुर्माना, उनके नाम जारी करना, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके भी नाम जारी करने चाहिए जो सर्वे के समय पर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सर्वे के समय गए थे, कम से कम उनके नाम तो जारी हो।